अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू साइकोलॉजी विद मुकद्दस। लास्ट लेक्चर वी स्टडी लेसन नंबर 1 ऑफ पीएसवाई 610। नाउ वी विल स्टडी लेसन नंबर 2। एंड बिफोर दैट सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू डिडंट एंड काइंडली सपोर्ट अस, थैंक यू सो मच। लेसन नंबर 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ बिहेवियर न्यूरोसाइंस है, जिसमें बताया गया है कि इसकी जो रूट्स हैं अपनी बिहेवियर न्यूरोसाइंस की वो कहाँ पर हैं, यानी किसने इसको जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे और ब्रेन के ब्रेन से रिलेटेड उनकी कौन सी जो है कौन से ऐसे न्यूरो जो साइंटिस्ट हैं जिनकी वर्किंग जो है वो रिमार्केबल है, जिसमें विलियम जेम्स है, कार्ल लाशले है, शेरिंगटन पेवलव है। तो पेवलव आपको पता है, पेवलव रशियन फिजियोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिन्होंने कंडीशनिंग जो है वो उन्होंने डिस्कवर की थी, कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने। इथोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट क्या हैं? इथोलॉजी जो स्टडीज हैं बिहेवियर की, जो कि नेचुरल सेटिंग में होती है, जिसे हम नेचुरली स्टडी करते हैं नेचुरल कंडीशंस में, वो लैब में नहीं होती। और कौन से इथोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने नेचुरल वे में स्टडी किया है बिहेवियर को? वो कॉनराड लॉरेंस हैं, जिन्होंने इम्प्रिंटिंग का दिया था कॉन्सेप्ट, देन निकोडर टिम्बर्गन है, जिन्होंने एग्रेशन के हवाले से एक्सपेरिमेंट किए हैं, देन इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। इस तरह की बहुत सी माइंडिंग है जो कि इन्होंने बिहेवियर में कंट्रीब्यूट किया है, जो नेचुरल सेटिंग में देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, जो लैब में नहीं होता। एंड देन न्यूरोफिजियोलॉजी है, न्यूरोफिजियोलॉजी में सर चार्ल्स शेरिंगटन है एंड चार्ल्स बेल्स की रिसर्च है ऑन रिफ्लेक्स सिस्टम्स। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। देन देयर आर 3 मेजर इनपुट्स इनटू दिस डिसिप्लिन फ्रॉम यूरोप, रशिया एंड द यूएस, यानी इन्होंने कंट्रीब्यूशंस की हैं। और यूरोपियन इनपुट्स में कौन कौन से हैं, जो कि कंट्रीज हैं, जर्मनी है, ब्रिटेन है एंड देन रशिया है, और वहाँ से कौन कौन से जो कि एक्सपेरिमेंटर हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की है अपनी, ये आपने अच्छे से याद करना है, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्विज एंड एग्जाम्स एमसीक्यूज। एंड देन जर्मनी है, जर्मनी में क्या किस चीज़ की हुई थी इमरजेंस, वहाँ पे साइकोफिजिक्स के हवाले से स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, जो कि वेबर ने इसको किया था डिस्कवर। एंड देन हेल्महोल्ट्ज़ की कंट्रीब्यूशन क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मेजर फॉर द फर्स्ट टाइम स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, तो ये किसने की थी, हेल्महोल्ट्ज़ ने। एंड देन 2 इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं, फ्रिट्ज़ हैं, हिट्ज़िक हैं, यहाँ पर जो कि ब्रेन के कंट्रोल मोटर कंट्रोल फंक्शंस पे इन्होंने इसके रिसर्च की हैं। देन जोहानिस मुलर्स, इनके लॉ ऑफ स्पेसिफिक एनर्जीज ऑफ नर्व्स हैं, यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एंड देन फ्रांस है, फ्रांस में से कौन से थे, फ्रांस में फ्लोरेंस है, जिन्होंने फेनोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है, जैसे कि एरियाज ऑफ ब्रेन और बिहेवियर, कौन से ब्रेन के एरियाज ऑफ बिहेवियर में इन्वॉल्व हैं और किस बिहेवियर में इन्वॉल्व हैं। देन मार्क डेक्स हैं, इनकी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। देन ब्रोका हैं, ब्रोका की हमने रीड कर चुके हैं। देन जुवेट की कंट्रीब्यूशन हैं टू स्लीप रिसर्च के हवाले से। इटली में कैमिलो वोल्जी हैं, जिन्होंने स्टेन सेल बॉडीज को जो है इन्होंने डिस्कवर किया था। एंड देन हमारे पास स्पेनिश है, स्पेनिश में रेमन काजल हैं, और इन्होंने स्टडी किया साइनाप्सिस को एंड इंडिविजुअल न्यूरॉन्स को। एंड देन रशियन है, रशियन में पेवलव की जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन लूरिया की, जो कि फादर ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी भी इन्हें बोला जाता है, उनकी स्टडीज जो है वो गनशॉट वुंड्स पे हुई थी, जो वर्ल्ड वॉर 1 में हेड इंजर्ड जो सोल्जर्स हैं उन पर उन्होंने की थी। एंड देन ब्रिटेन है, ब्रिटेन में शेरिंगटन है, फादर ऑफ न्यूरोफिजियोलॉजी हैं, जिन्होंने नर्वस सिस्टम को स्टडी किया था। एंड देन साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में इगास मोनिस जो है उन्होंने रिसर्च की थी, जो कि इन्होंने एक प्री फ्रंटल जो है लेबोरेटोमीज, यानी उसको प्री फ्रंटल को उन्होंने कट करके उनको करके उसको डैमेज करके उसकी सर्जरी करके उसको डिस्कवर किया था एरियाज को। एंड देन अमेरिकन है, अमेरिकन में विलियम जेम्स हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन कार्ल लाशले हैं, जेम्स वॉटसन की कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, बिहेवियरिस्ट हैं जो कि, एंड उन्होंने स्टडी किया था कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप। एंड बाइकलो की स्टडी है, जिन्होंने फर्स्ट रिपोर्टेड जो है वो केस रिपोर्ट किया था, जो फिनिस गेज का केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये पूरी बुक में ये हमें केस मिलेगा, और लास्ट लेक्चर तक हमें ये इसका केस जो है वो स्टडी करने को मिलेगा, कि इसमें जो है वो क्या उनको इफेक्ट हुआ था और कैसे वो ब्रेन के एरियाज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे बिहेवियर में, और हमारा जो ब्रेन है अगर इंजर्ड हो जाए या डैमेज हो जाए तो कैसे वो हमारे बिहेवियर को इफेक्ट कर रहा होता है। सो ये कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी इस टेबल को अच्छे से आपने देखना है, बिकॉज यहाँ से भी आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं कि किसमें किस साइंटिस्ट की या किस एक्सपेरिमेंट की कंट्रीब्यूशन कौन सी है। एंड देन नेक्स्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब स्पेशलाइजेशन
दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं मिड टर्म में एंड देन एमसीक्यूज भी इसमें से लास्ट में आते हैं। और यहाँ पे सब स्पेशलाइजेशन है न्यूरो साइंस की, कौन कौन सी उनकी जो है वो सब स्पेशलाइजेशन है, जैसे बायोलॉजी साइकाट्री में हम कौन सी स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स देखते हैं, बायोसाइकोलॉजी क्या है, इसमें हम बेसिकली जो हमारा बेसिस ऑफ बिहेवियर है बायोलॉजिकल उसको स्टडी करते हैं, एंड देन न्यूरोबायोलॉजी एंड डेवलपमेंट न्यूरोबायोलॉजी क्या है, इसमें हम जितने भी फोकस करते हैं ब्रेन के एरियाज को, एंड देन डेवलपमेंट एंड मेजोरिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। और न्यूरो एनाटॉमी है, एनाटॉमी मीन स्ट्रक्चर, यानी उसकी साख क्या है, न्यूरो मीन आपके ब्रेन की, जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं, ब्रेन के जो सिस्टम्स हैं उसको स्टडी किया जाता है इसमें। एंड देन न्यूरो केमिस्ट्री, न्यूरो इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, तो ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो याद रखना है कि न्यूरो क्या है, न्यूरो इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, न्यूरो इज योर ब्रेन। एंड देन उसके आगे जो भी है एनाटॉमी है तो इसका स्ट्रक्चर ब्रेन का स्टडी करना है इसमें, न्यूरो केमिस्ट्री है तो उसकी केमिस्ट्री क्या है, यानी उसमें जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होती है, जो केमिकल्स जो वर्क कर रहे हैं वो क्या है उसको स्टडी करना, न्यूरो एथोलॉजी यानी कि ब्रेन को स्टडी करना, बिहेवियर को स्टडी करना नेचुरल सेटिंग में, नेचुरल इन्वायरमेंट में। एंड देन न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी क्या है, इसको एंडोक्रिनोलॉजी आपके हार्मोनल से रिलेटेड है, इट मीन्स आपके जितने भी हार्मोनल इन्फ्लुएंस हैं वो ब्रेन पे कैसे इफेक्ट कर रहे हैं और बिहेवियर को कैसे हार्मोन्स आपके इफेक्ट कर रहे हैं। न्यूरोपैथोलॉजी, पैथोलॉजी आपके डिसऑर्डर्स होते हैं, जो ब्रेन के डिसऑर्डर्स हैं उसको स्टडी करना है इस एरिया में। न्यूरोफार्माकोलॉजी क्या है, न्यूरोफार्माकोलॉजी में आपके ड्रग्स जो हैं वो कैसे आपके बिहेवियर, आपके ब्रेन को इफेक्ट कर रहे होते हैं और कैसे आपके जो ड्रग्स हैं वो आपके बिहेवियर को भी इफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। एंड देन न्यूरोफिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सिस हैं आपकी इंटर न्यूरोनल एंड इंट्रा न्यूरोनल, यानी आपके जो न्यूरॉन्स में जो इंटरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इम्पल्सिस होते हैं उनको स्टडी करना न्यूरोफिजियोलॉजी है। एंड देन न्यूरोसाइकोलॉजी है, न्यूरोसाइकोलॉजी में अगेन न्यूरो मींस योर ब्रेन एंड साइकोलॉजी मीन योर बिहेवियर, सो ये स्टडी करते हैं ब्रेन बिहेवियर को, कैसे ब्रेन बिहेवियर आपस में कोरिलेट करते हैं और जो हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं ब्रेन की वो क्या हैं और कैसे हमारे जो बिहेवियर को इफेक्ट कर रही हैं। एंड देन बिहेवियर न्यूरोसाइंस अगेन वही उनकी स्टडी क्या है, बिहेवियर न्यूरोसाइंस की डेफिनेशन क्या है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपने देखना है कि बिहेवियर न्यूरोसाइंस जो है वो स्टडी करती है, अंडरस्टैंड करती है न्यूरोबायोलॉजिकल, न्यूरोएनाटॉमिकल एंड न्यूरोकेमिकल सबस्ट्रेट्स ऑफ बिहेवियर, इनके बिहेवियर के अंडरलाइन जितने भी ये न्यूरो जो है वो ब्रेन से रिलेटेड ये चीज़ें हैं सारी न्यूरोबायोलॉजिकल या न्यूरोएनाटॉमिकल। तो हमारा जो बिहेवियर ब्रेन है उसका रोल क्या है हमारे बिहेवियर में, तो कौन कौन से ऐसे ब्रेन के फंक्शंस हैं या ब्रेन के एरियाज हैं जो कि हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट कर रहे हैं, हम किस बिहेवियर पे इफेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये सारा न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इसी के बारे में है और ये बुक पूरी इसी के बारे में है। इसमें आप स्लोली इसमें ग्रेजुअली आप इसको डिस्कवर करते जाएंगे हर लेसन में कि बिहेवियर जो है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है, ब्रेन के कौन से एरियाज हैं और ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, ब्रेन के पार्ट्स क्या हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रेन एंड बिहेवियर रिलेशनशिप, सो ये आपकी डेफिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि न्यूरोबायोलॉजिकल क्या है, न्यूरोसाइंस क्या है। तो और ये डेफिनेशन आपको एग्जाम्स में भी आ सकती है, एमसीक्यूज के हवाले से भी आ सकती है, और इसमें आपने बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ये आपके लिए वीडियोज इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो इस तरह की आपको कोई भी हैंड आउट्स की अगर चाहिए, वीडियोज चाहिए जो कि आपको मुश्किल लग रही हैं, तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में आप उसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई भी या लेक्चर के हवाले से अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।